हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग केमिकल कैनेटिक्स आज हम बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन और सिक्वेंशियल रिएक्शन तो लिखो हेडिंग फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव और सिक्वेंशियल uh, रिएक्शन जनरली देर ऑब्जर्व इन रेडियो एक्टिव डिके तो ये रेडियो एक्टिव डिके में जनरली ऑब्जर्व होता है जैसे मान लो एग्जाम्पल लेके बाद चलते हैं ए कन्वर्टेड टू मान लो कुछ इंटरमीडिएट आई बना एंड फाइनल प्रोडक्ट पी बना पी इज द प्रोडक्ट आई इज द इंटरमीडिएट And A is the reactant. K1 is the rate constant. K2 is the rate constant for the second step. अब मान लो ये t is equal to zero पर, ये concentration A ली, ये 0-0 थे. t time के बाद कुछ तो खर्च हुए होंगे. मान लो इसमें से X खर्च हुआ, ये X बना, but ये भी तो खर्च हो रहा है by the rate constant K2. तो ये वाई खर्च हुआ तो ये कितना बन गया वाई इस टाइप से हम एनालाइज करते हैं ये रेडियो एक्टिव डीके में कैसे अभी हम करेंगे बात वैसे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया होता है कि डिस सीरीज होती हैं जैसे थोरियम सीरीज यूरेनियम सीरीज नैपचूनियम सीरीज एंड लाइक दैट उसमें कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो फाइनली प्रोडक्ट मानो लेड में कन्वर्ट हो रहा है तो एक ही स्टेप में थोड़ी होता है एक बार अल्फा डीके हुआ कुछ बना इंटरमीडिएट फिर कुछ बीटा डीके हुआ बना कुछ इंटरमीडिएट फिर कुछ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ बना कुछ इंटरमीडिएट उसके बाद यही करते करते कई स्टेप्स के बाद में फाइनली यू गेट वॉट द स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक लेड और बिस्मिथ पढ़ेंगे वो सब हम भी अभी आएगा इसके बाद में रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट यहीं लेंगे इस चैप्टर में इस चैप्टर में अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे उसको एज ए रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में तो वो हम uh, बात करेंगे तो ये सब इसका यूज जो है वो रेडियो एक्टिव डीके में पाया जाता है अब देखो बात वही है इनिशियली केवल ए लिया था आई तो खत्म हो जाना है इंटरमीडिएट है ना शुरू में लिया ना एंड में ऑपटेन होगा एंड पी विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑपटेन तो आफ्टर टाइम टी वॉट विल बी द रिमेनिंग ऑफ ए रिमेनिंगट इज द देशन ऑफ आई एंड इज द फाइनल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एट एनी टाइम टी यही सब तो फाइंड आउट करना है इसमें कर लो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है अब मान लो जैसे ए के लिए तो uh, क्या बोलोगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए डी ए टी एट एनी मोमेंट वुड बी इक्वल टू वॉट के वन रेट से डिकम्पोज हो रहा है ये रेट कॉन्स्टेंट से तो के वन इंट ऑफ रिएक्टेंट ए तो यहां से तो एक्सप्रेशन आ गया आपके पास ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आ गया ए नॉट ई की पार माइनस के वन टी तो लो ए की कंसेंट्रेशन का एक्सप्रेशन तो आ ही गया याद भी रखना है उसमें रेट कॉन्स्टेंट के वन आ गया अच्छा आई के लिए क्या लिखोगे आई फॉर्म भी हो रहा है और आई डिकम्पोज भी हो रहा है तो डी आई अपॉन डी टी क्या लिखोगे आप डी आई अपॉन डी टी क्या है ये नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन तो फॉर्मेशन कहां से हुआ के वन वाले रेट कॉन्स्टेंट से तो के वन इंटू ए बट ये आई खर्च भी तो हो रहा है वैधा रेट कॉन्स्टेंट के टू तो माइनस के टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आई एट एनी मोमेंट अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई डी आई अपॉन एट एनी मोमेंट लिख दो अपॉन डी टी प्लस आई टी एट एनी मोमेंट इंटू के के टू इज इक्वल टू के वन इंटू ए ए की वैल्यू तो अभी आई है वॉट ए नॉट ई की पार माइनस के वन आप एक काम करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ई e की पार के टू टी से यहां भी ई e की पार के टू टी से तो क्या हो गया जरा देखना ये जो लेफ्ट हैंड वाला टर्म है दिस इज नथिंग बट डी अपॉन डी टी और ये अगर ध्यान से देखोगे तो ई e की पार K t I के टू टी इन आई के बराबर हो गया और ये आ गया के वन ए नॉट ई की पार इसको एडजस्ट करोगे तो के टू माइनस के वन टी ये एक्सप्रेशन आ गया अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही टर्म आ जाएगा देखो अब डी टी को इधर ले आओ और इंटीग्रेट कर दो तो डी टी को इधर ले आओ तो डी इंटीग्रेट भी कर दो साथ में ई e की पार के टू टी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आई एट एनी मोमेंट टी लगाओ या मत लगाओ तो ठीक है समझ में आ रहा है शुड बी इक्वल टू के वन ए नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से लेके टी तक और ई e की पार के टू माइनस के वन टी डी टी अब इसको तो ये तो यही आ गया ई e की पार के टू टी इन आई K1 A0, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स आ गया ये अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक नीचे फैक्टर आ जाएगा के टू माइनस के वन और ये साथ में आ जाएगा ई e की पार के टू माइनस के वन टी माइनस वन जब लिमिट लगाओगे तो जीरो की वैल्यू रखोगे तो यहां पर ई e की पार जीरो मतलब वन आ जाएगा आ गई कंसेंट्रेशन सो वट इज देशन ऑफ आई आफ्टर टाइम टी वु डिवाइड कर दो इसको तो देखो ये आ गया के वन ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन और ये एक्सप्रेशन हो गया ई e की पार जब डिवाइड करोगे e पार की टू के टू टी से तो माइनस के वन टी माइनस ई की पार माइनस के टू टी कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछता इन सब पे कारण कौन इतना लॉक कैलकुलेट करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू पूछते ही नहीं रेशियो वगैरह पूछ ले तो उसमें फिर भी कैंसिल आउट हो जाते हैं सब में बाकी ई की पार्ट समथिंग माइनस ई की पार्ट समथिंग लॉट ऑफ कैलकुलेशन आर इन्वॉल्व सो डोंट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस और कानेटिक्स में क्वेश्चन पूछना है तो यही बचा है क्या दे विल आस्क सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर लाइक जीरो ऑर्डर ऑर्डर फर्स्ट एंड ऑल दैट वहां से क्वेश्चन पूछते हैं सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आई अब चूंकि I तो इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट तो आप जानते हो शुरू में जीरो था एंड में भी जीरो है तो कहीं तो मैक्सिमा आया होगा उसका सो लेट टॉक अबाउट द मैक्सिमा मैक्सिमा फॉर ऑफ इंटरमीडिएट कंसेंट्रेशन I di आई अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए डिफ्रेंशिएट तो करो तो ये तो चलो कॉन्स्टेंट का टर्म हो गया तो माइनस के वन ई की पार्टी माइनस के वन टी प्लस के टू की पार माइनस के टू टी इज इक्वल टू जीरो टी क्या बन गया अब टी मैक्स टी मैक्स डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर करोगे तो यू विल गेट दिस इससे सॉल्व करोगे तो यहां से ऐसा आ गया देखो के वन ई की पार माइनस के वन टी मैक्स के टू की पार माइनस के टू टी मैक्स एक काम करो जरा इसको इधर ले आओ और ये नीचे आएगा ऊपर जाने पर ये प्लस हो जाएगा तो ई e की पार के टू माइनस के वन टी मैक्स विल बी इक्वल टू के टू अपॉन के वन लॉग ले लो तो के टू माइनस के वन टी मैक्स विल बी इक्वल टू एल एन के टू ओवर के वन बस यही फार्मूला है इसको याद भी रख लें कि टी मैक्स टी मैक्स का मतलब क्या हुआ टाइम फ्रॉम द बिगनिंग एट विच द कंसेंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट रीचेज मैक्सिमम तो क्या हो गया ये एल एन तो के टू अपॉन के वन अपॉन दोबारा काटके लिख देता हूं क्लियर रहना चाहिए तो व्हाट इज टी मैक्स एल एन के टू अपॉन के वन अपॉन के टू माइनस के वन सो दिस इज द एक्सप्रेशन ये भी एक एन अदर फॉर्मूला है इसको याद रख सकते हैं सो दिस इज वॉट टाइम फ्रॉम स्टार्ट एट विच कंसेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट रीचेज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट मैक्सिमम तो ये कंसेंट्रेशन मैक्सिमम पहुंच जाती है इस टाइम पर तो इसे बोलते हैं हम ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए था तो इस पॉइंट पर कंसेंट्रेशन विल रीच मैक्सिमम तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो अच्छा क्या क्या हो गया एक बार देख लो तो ए की कंसेंट्रेशन आई की आ गई पी की कंसेंट्रेशन और फाइनआउट कर लो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट तो कैलकुलेशन ऑफ Concentration of P, product. At any time, T. तो कहा भी था कि टी इज इक्वल टू जीरो पर अगर मान लो ये एक्स खर्च हुआ है तो यह एक्स बना होगा इसमें से वाई भी खर्च हुआ होगा तो यह वाई बना होगा तो अगर ए टी प्लस आई टी प्लस पीटी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स से एक्स कैंसिल तो ये A के बराबर आ गया और ये क्या है अब यहां से पी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लो कैसे इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं कोई खास जरूरत नहीं है सबकी केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आएगा ये सब तो ए नॉट माइनस एटी एटी मतलब ए नॉट ई की पार माइनस के वन टी यही था हाँ बिल्कुल आई टी आई टी क्या था वो देख लेता हूँ मैं आई टी क्या आया था हाँ ये राह के वन ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन ये ले लो ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन

वन ई e की पार माइनस के वन टी प्लस के वन ई की पार माइनस के टू टीम भाग कर दी मैंने अपॉन यहां आ गया के टू माइनस के वन देखना कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से के वन ई की पार माइनस के वन टी ये टर्म गायब हो गया तो यहां से देखो क्या एक्सप्रेशन आ गया कंसेंट्रेशन ऑफ पी को एडजस्ट करें तो काम करो K1 वन कॉमन लिया तो e की पार माइनस और K2 टू कॉमन लिया इसमें से तो ये ऐसा आ गया A नॉट अपॉन K2 टू माइनस एक बार कैलकुलेशन कर लेना भाई देख लेना कुछ छूट ना जाए K2 अगर कॉमन ले लें ले, तो वन माइनस ई की पार माइनस के वन टी माइनस के वन कॉमन ले लिया तो वन माइनस ई की पार माइनस के टू एक्सप्रेशन तो ये था एक्सप्रेशन कौन पूछेगा सवाल इस पर इतनी सारी कैलकुलेशन कैसे करोगे ये पावर एक बार यहाँ यहाँ कैलकुलट फिर भी एक्सप्रेशन uh, आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट कंफर्टेबिलिटी रहती है कि दिमाग में हमें सब कुछ आता है अगर ये सब भी पढ़ते हो आप अच्छा इसमें दो केसेस बन सकते हैं हमें तो ये पता ही है कि स्लो स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कई बार के वन के टू में अगर काफी लार्ज डिफरेंस हो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो चीजों को तो केस वन ग्रेटर के टू और इक्वेशन क्या थी ए कन्वर्टेड टू आई कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट ये के वन और ये के टू ऐसा था तो मान लो ये एक्सप्रेशन ऐसे दिखाएं ग्राफ में ये मान लो कॉन्सेंट्रेशन ले लिए और ये टाइम के साथ हमने ग्राफ की बात की अगर K1 K2 से काफी लार्ज है तो इसका मतलब स्लो स्टेप ही तो इंपॉर्टेंट है तो फिर ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट हो गया सो दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट स्लो स्टेप इज इंपॉर्टेंट तो इसका मतलब K1 बहुत लार्ज है अगर K2 से तो ए तो विद इन नो टाइम इट विल कन्वर्ट इन कंपेरिजन कंपेरिटिवली विदिन नो टाइम ए विल कन्वर्ट टू आई तो ए रिएक्टेंट था शुरू में जो भी लिया हुआ होगा विद इन नो टाइम वेरी शार्पली इट बिकम्स ऑलमोस्ट एसम टोटिकोस्ट जीरो एकदम घटेगा और आई एकदम बढ़ेगा तो आई विल रीच इट्स मैक्सिम चूंकि स्टाइक्योमीटर वनी है तो लगभग वहीं आ जाएगा ये बहुत शार्पली वेरी शार्पली उसके बाद फिर आराम आराम से खर्च होता रहेगा लाइक दैट एंड आई तुरंत बना फिर धीरे धीरे खर्च हुआ प्रोडक्ट अपने हिसाब से धीरे धीरे बनता रहेगा वो टाइम के साथ अपना आराम से बनता रहेगा सो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए दिस इज इंटरमीडिएट आई रीचिंग मैक्सिम वेरी क्विकली

तो ये रहा खर्च हो रहा आराम आराम से आराम आराम से खर्च हो रहा है रिएक्टेंट सो so दिस इज ए और इंटरमीडिएट भाई K1 बहुत स्लो है तो ए बहुत थोड़ा सा खर्च हुआ आई और आई बनते ही तुरंत खर्च हो गया पी में क्योंकि के टू इज बहुत बहुत ज्यादा है के टू से तो आई तो रुक ही नहीं पाया भाई ए आई में थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ स्लोली बनते ही खर्च हो गया तो आई तो वर्चुअली जीरो ही है तो कंसेंट्रेशन ऑफ आई वुड बी ऑलमोस्ट जीरो तो ये क्या दिखाया सर ये क्या ही ऊपर को अरे मैक्सिमा शो करने के लिए सिंबॉलिक है कहीं तो मैक्सिमा इसका भी आया ही होगा और प्रोडक्ट अपने हिसाब से धीरे धीरे बनता रहेगा सो दिस इज रिएक्टेंट ए दिस इज इंटरमीडिएट आई

तो हम इस चैप्टर को यहीं कंक्लूड होता हुआ मानेंगे दैट्स इट फॉर नाउ